हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं हूँ शाइनी। ये जो आप ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक देख रहे हो ना, ये स्पेशली फॉर मैंने क्रिएट किया है वैलेंटाइंस डे के लिए। ये जो लुक है ये स्पेशली फॉर नाइट पार्टीज में ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस लुक को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ अल्प फुलनेस का कोकुम्बर टोनर। टोनर हमारी स्किन को हाइड्रेशन देता है, ग्लो प्रोवाइड करवाता है, स्किन को ब्राइटन अप करता है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट। इसमें से मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है, जिसे मैं एक छोटे से ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लूँगी। मैं यहाँ पे अपनी आईब्रोज को अपने नेचुरल शेप में ही फिल कर रही हूँ। मेरी आईब्रोज की नेचुरल शेप ही काफ़ी अच्छी है, तो मुझे एक्स्ट्रा इन्हें ड्रामेस्टिक लुक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर। इसे सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज के अराउंड अप्लाई करूँगी, जिससे कि जो मेरे आईब्रोज हैं उनकी शेप काफ़ी अच्छी लगे और जो मेरा आईज मेकअप है वो अच्छे से उभर के आए। अब मैं सेम कंसीलर को अपने आईलिड के ऊपर भी अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, जिससे कि जो आई शेडो है उसके कलर्स आईज के ऊपर अच्छे से उभर के आए। नेक्स्ट मैं एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग में आप थोड़ा सा ना टाइम दे के उन्हें अच्छे से ब्लेंड करो, ताकि हार्श लाइन ना लगे। नेक्स्ट मैं स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रोज का जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसे क्लीन कर लूँगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है फेसिस कैनेडा का कॉम्पैक्ट पाउडर। इसमें मेरा शेड है नेचुरल। मैं यहाँ पे ले लूँ SFR का स्मोक शो आई शेडो पैलेट। इस आई शेडो पैलेट में आपको ब्लैक, ग्रे, सिल्वर, व्हाइट शेड मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छी पैलेट है। इससे पहले मैंने यहाँ पे एक ग्रे शेड लिया है, जिसे मैं अपनी क्रीज को बिल्डअप कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक ब्लैक शेड लिया है जो मैट है, उसे मैं अपने आउटर वी के ऊपर अच्छे से प्लेस कर रही हूँ एंड देन उसे मैंने ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फ्लैट ब्रश की हेल्प से सिल्वर एंड ग्रेइश शिमर कलर ले रही हूँ, जिसे मैं अपने इनर कॉर्नर से लेते हुए मिडल आईलिड तक प्लेस कर रही हूँ अच्छे से। नेक्स्ट मैं SFR की इस ग्लिटर आई शेडो पैलेट में से सिल्वर ग्लिटर शेड ले रही हूँ, जिसे मैं अपने इनर कॉर्नर से अपने आईलिड के ऊपर अच्छे से प्लेस कर रही हूँ। इसके लिए भी मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है। ग्लिटर अप्लाई करना थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। अगर आप बिगिनर हो तो आराम से अच्छे से टाइम दे के ग्लिटर को आईलिड पे प्लेस करना। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ स्टे क्वर्की की बड़ाज आईलाइनर। इसमें मेरा शेड जेड ब्लैक है, काफ़ी पिगमेंटेड आईलाइनर है एंड देन मेरा आई का मेकअप कंप्लीट हो गया। मैंने आईलैशेस भी अप्लाई कर लिए। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ फेसिस कैनेडा का मैग्नेट काजल। ये इसकी स्टेइंग पावर नियर अबाउट 4 to 5 आवर है। जेड ब्लैक शेड है इसमें मेरा। नेक्स्ट मैं सेम ब्लैक कलर को अपने लोअर लैश लाइन के ऊपर प्लेस कर रही हूँ। नेक्स्ट एक वेट वाइप को लेके मैं अपने फेस के ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट गिरा होगा उसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ NYB का फेस सीरम। काफ़ी अच्छा सीरम है, ग्रीसी या ऑयली फील नहीं कराता है फेस के ऊपर। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटेक का मॉर्निंग नेक्टर। ये तो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मॉइस्चराइज़र है विंटर्स के लिए, काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ अरोमा मैजिक का कुकुम्बर सनस्क्रीन लोशन विद SPF 30। विंटर्स के लिए SPF 30 इज़ सफिशेंट फॉर अस। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस प्राइमर। ये एज अ प्राइमर तो वर्क नहीं करता है, बट आप इसे एज अ इल्यूमिनेटर बोल सकते हो। ये आपके फेस के ऊपर एक बहुत ही अच्छी शाइन प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन, जिसमें मेरा शेड है नेचुरल बीच 220। सबसे पहले मैं इसे अपने ऑल ओवर फेस के ऊपर डॉट करके अच्छे से अप्लाई कर लूँगी एंड देन एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी अपने ऑल ओवर फेस के ऊपर। नॉर्मल ऑयली एंड कॉम्बिनेशनल स्किन वालों के लिए ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, यू कैन ट्राई दिस। अगर आपका स्किन टोन वार्म साइड में जाता है लाइक मी, देन यू कैन यूज़ इट। नेक्स्ट मैं सेम स्विस ब्यूटी की लिक्विड कंसीलर की हेल्प से अच्छे से अपनी जो आई डार्क सर्कल्स हैं एंड जो मुझे पिगमेंटेशन है हल्की फुल्की डार्क स्पॉट्स हैं, मैं उसे अच्छे से हाइड कर लूँगी एंड जो हाइलाइटेड पॉइंट है उस पर भी मैं कंसीलर अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट सेम ब्यू डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी।
कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद में फेसिस कैनेडा के सेम कॉम्पैक्ट से अपना जो बेस मेकअप है उसे अच्छे से सेट कर लूँगी। ये अच्छी खासी कवरेज प्रोवाइड करवा देता है। नेक्स्ट जो मैंने अपना आई मेकअप बीच में छोड़ दिया था उसे मैं कंप्लीट कर रही हूँ। लोअर लैश लाइन के ऊपर मैं ब्लैक शेड लगा रही हूँ एंड इनर साइड के ऊपर मैं ग्लिटर लगा रही हूँ फ्लैट ब्रश की हेल्प से। इसको थोड़ा सा यू नो ध्यान से लगाना पड़ेगा आपको कि आइज़ में ना जाए ग्लिटर है जो, वरना आपकी आइज़ में से पानी आ सकता है। नेक्स्ट मैं स्विस ब्यूटी का मस्कारा ले रही हूँ जिसे मैं अपने आई लैशेज को अच्छे से कर्ल कर लूँगी। लोअर लैशेज को भी अच्छे से कर्ल कर लूँगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया है शुगर का फेस पैलेट जिसमें मेरा शेड है 01। इसमें से मैं कॉन्टोर शेड ले रही हूँ, अच्छे से अपने फेस के ऊपर ब्रॉन्जिंग कर लूँगी। पहले चिक्स के ऊपर अप्लाई करूँगी एंड देन जॉ लाइन के ऊपर। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक स्मॉल ब्रश लिया है जिसे मैं अपने नोज़ की अच्छे से कॉन्टोरिंग कर रही हूँ जिसे मेरी नोज़ है जो थोड़ी शार्प नज़र आए। नेक्स्ट मैं सेम पैलेट में से ब्लश ले रही हूँ जिसे मैं अपने चिक्स के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। नोज़ एंड चिक्स पे भी मैंने अप्लाई किया था। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी के अल्ट्रा ग्लो फेस पैलेट जिसमें से मैंने रोज़ गोल्ड शेड लिया है जिसे मैं हाईलाइट कर लूँगी अपने चिक बोन्स को एंड हाईलाइटेड पॉइंट के ऊपर भी मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। नाउ मैंने एक पेंसिल ब्रश लिया है जिसे सेम हाइलाइटर से मैं अपने इनर कॉर्नर के ऊपर लगा रही हूँ एंड अपनी ब्रो बोन के ऊपर भी हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई की है शुगर की मिनी लिक्विड लिपस्टिक जिसका जो शेड है मुझे अभी याद नहीं है, सॉरी। एंड दिस इज माय फाइनल लुक, यू कैन सी। होप यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।